श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिनी हत्याकांड के विरोध में बुधवार को कुचामन शहर में बंद का आह्वान सफल रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद को सफल बनाया। सर्व समाज की अपील पर बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद शहर के सभी बाजार बुधवार सुबह से ही बंद रहे। कनोई पार्क में सर्व समाज की बैठक रखी गई, जिसमें राजपूत समाज के युवा नेता विजय सिंह पलाड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने कुछ महीने पहले राजस्थान सरकार को अवगत भी कराया गया था कि गोगामिनी को मारने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस मौके पर राजपूत समाज के मनोहर सिंह रूपपुरा, हिम सिंह मेड़तिया, श्रीपाल सिंह रसाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजपूत करणी सेना के राजस्थान अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिनी की जयपुर में दिनदहाड़े हत्या से पूरा राजपूत समाज ही नहीं सर्व समाज में आक्रोशित है। सर्व समाज के लोगों ने राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिनी की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या की भर्त्सना की गई। साथ ही सुखदेव सिंह गोगामिनी की हत्या पर आक्रोश जताते हुए हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। आक्रोशित लोगों ने इस संबंध में पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से सुखदेव सिंह गोगामिनी की हत्या हुई है। एकत्र होने के बाद सभी लोग कुचामन के बाजारों की ओर बंद करवाने निकल पड़े। इस अवसर पर विजेंद्र सिंह भावता, शूरवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, घनश्याम शर्मा, कमल राजौरिया, राजेंद्र कुमावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस थाने के बाहर दिया ज्ञापन दिनांक 5 दिसंबर 2023 को जयपुर शहर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वराहगीर पर गोलियां मारकर उसका वाहन छीनकर अपराधी फरार हो गए। इस घटना की कुचामन शहर सर्व समाज बोर निंदा करता है, पर यह है कि इस हत्याकांड से पूर्व सुखदेव सिंह ने राज्य शासन को अपनी जान को खतरे के संबंध अवगत कराया था। इस घटना से संपूर्ण राजस्थान की जनता व युवा वर्ग में गंभीर आक्रोश, असंतोष व भय का वातावरण व्याप्त हुआ है तथा शासन की आम जनता की सुरक्षा में लापरवाही उजागर हुई है। प्रदेश की शांति व्यवस्था में उत्पन्न हुए गंभीर अवरोध का निवारण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति समुचित कार्यवाही हो एवं घटना में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर शीघ्र दंडित करावे, जिससे आमजन की सुरक्षा के प्रति शासन की गंभीरता सुनिश्चित हो सके एवं आमजन का कानून के प्रति विश्वास करेगा। इसलिए आज ये बंद का आह्वान है और हमारी सभी की जयपुर में जो हमारे राष्ट्रीय संगठन के लोग बैठे हैं, राजपूत समाज के लोग जो धरने पे बैठे हैं कल से, उनकी भी ये मांग है कि हाईकोर्ट के जजेस से इस पूरे जो हत्याकांड की न्यायिक जांच हो, एनआईए से इसकी जांच की जाए और जो जेल में बंद होके आपको पता न्यूज चैनल से कुछ दूर दिन पूर्व लॉरेंस ने जेल में बैठ के एपीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था, जेल में बैठ के ऐसे मर्डर करवा रहे हैं। संपत नेहरा गोदारा फेसबुक पे लिख रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है किसी भी की मर्डर करने की, उनको कहाँ अनुमति है? वो यदि कोई गलत काम करा उसके लिए आईपीसी सीआरपीसी भारत का संविधान है, पुलिस है, कोर्ट बने, वो सजा दे। वो कौन होते हैं सजा देने वाले? हमारी यही मांग है कि इसमें जो भी शामिल है उनके खिलाफ भी सेम धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, जो उन तीनों गोलियां चलाई है 302 में भी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने उनको हथियार रखने की परमिशन नहीं दी, उनके अंगरक्षकों को हथियार रखने की परमिशन नहीं दी। पुलिस कमिश्नर जयपुर वो भी उतना ही दोषी है, राजस्थान सरकार का डीजीपी उतना ही दोषी है, गृह सेक्रेटरी भी उतना ही दोषी है कि उन्होंने उन अंगरक्षकों को हथियार रखने की परमिशन नहीं दी। उनके खिलाफ भी सेम मुकदमों में सेम धाराओं में इस मुकदमे में उनका नाम जो होना चाहिए। क्या आगे की क्या रूपरेखा रहेगी समाज आगे की रूपरेखा? हमारी जो जयपुर में जो समाज के संगठन के लोग बैठे हैं उनका आज राजस्थान बंद का आह्वान है। आज के बाद सरकार राज्यपाल महोदय उस पर क्या एक्शन लेते हैं, जो हमारी मांगे हैं उन पर क्या एक्शन लेते हैं, उनमें मांगे यही है वहाँ का SHO निलंबित हो, जो SPO वो निलंबित हो। कुछ दूर दिन पूर्व जब उनको सुरक्षा मांगी तो वहाँ का SHO और वहाँ का डिप्टी आके उनको कहता इधर से दीवार तोड़ा दो, इधर दीवार बना लो, जबकि उनके अंगरक्षकों को हथियार रखने की परमिशन नहीं दी थी। तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से निलंबित हो, जयपुर कमिश्नर निलंबित हो, वहाँ का SHO श्यामनगर निलंबित हो और वहाँ का डिप्टी निलंबित हो, तब हमें लगेगा कि कार्रवाई हो रही है। सिर्फ इन दो गुर्गों को पकड़ने से इस हत्या का कोई, यदि दो गुर्गे पकड़ के पुलिस ये कहना चाह रही है कि हमने उनके हथियारों को पकड़ लिया, उनके हथियारों को नहीं पकड़े, तो गुर्गे थे, ये तो एक मोरे थे हत्यारे जो जेल में बैठ के और जो सोशल मीडिया पे इसकी वो ले रहे हैं जिम्मेदारी, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।